अल्लाजल मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। बीवी का मकाम बरकरार, जिसकी वजह से कुम्भ मुकद्दस बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें भी ये शर्फ बख्शा कि हमारा भी तहसील वीजा आया हुआ है और हम भी कुम्भ मुंतकिल होने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह उस अजीम दर्स से इस्तेफादा हासिल करेंगे और बीवी के दर्स से इंशाअल्लाह फैसला होंगे। उधर ऐसा दर है जिससे लोग हवाई जो कर जाते हैं, उसकी तफसील से किताबें लिखी गई है करामाते करीम आखिर दर्ज से। और बीवी का मकाम, उनकी रफत, बुलंदी, अजमत के आप बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपके अंगाबाद में से उक्त रिजा, अकीला, तकिया, नकिया, राजिया, मर्जिया, मस्तूरा, ये आपके अंगाबाद थे। और बीवी वो वाहिद खातून है जिसे मासूम ने मासूम का लकब अता किया और इमाम रजा अलैहिस्सलाम मन ज़ारल मासूमा कमन ज़ारल, जिसने मासूमा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने कलीमा अहले बैत की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। इसी तरह छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए एक हरम है कि जो मक्का है, रसूल के लिए हरम है जो कि मदीना है, अमीर मोमिनीन के लिए हरम है जो कूफा है, मगर हाँ एक हरम और है कि जो छोटा कूफा है, जो हमारा हरम है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे उस शहर यानी कुम की तरफ खुलते हैं और वहां हमारी औलाद में से एक खातून मासूमा फातिमा आएंगी, वो ऐसी खातून होंगी कि हमारे शिया उनकी शफाअत से जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी शफाअत से हमारे चाहने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। और इसी तरह मासूम ने बीवी को करीमा अहलल बैत का लकब अता किया। करीमा अहलल बैत, आप करीम हैं, बहुत तेजी से मुख्तसर कर लो जीवन ज्यादा ना हो जाए कि आयतुल्लाह मरकशी नजफी, उनके वालिद मोहतरम महमूद मरकशी जो नजफ में मौजूद थे, बहुत ही बड़े और पायल के आलिम थे, उन्होंने ख्वाब में देखा। उससे पहले उन्होंने रियाजत की 40 दिन तक कि मैं किसी मासूम की ज्यारत करूं पाऊं, और किस लिए मासूम की ज्यारत करूं, इसलिए कि अगर मुझे मासूम की ज्यारत नसीब हो जाए तो मैं मासूम से ये पूछ लूं कि जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा की कब्रे में जा रहा था, कब्र कहाँ है, ताकि मालूम तो हो चुके, आपको मालूम है कि ज्यारत 2-3 मकामात पर करी जाती है, कब्र हम मजबूर मजबूर और वक़्त हम मजबूर। अमल किया 40 दिन, देखा एक दिन बाप ने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम तशरीफ लाए हैं कि जनाब आलिम दीन महमूद बराशी पूछते हैं कि मौला बताइए ये जनाबे सैयदा की कब्र मुतहर का। इमाम फरमाते हैं अबैतुम बिकरीमतिल अहलल बैत, तुम पर जरूरी है कि तुम करीम अहले बैत से तवस्सुक और तवस्सुल करो। फिर आलिम ने पूछा मौला आका ये रियाजत तो मैंने इसीलिए की थी ताकि मैं कब्र मालूम कर सकूं, यानी आलिम समझे कि शायद इमाम जनाबे सैयदा के बारे में ही फरमा रहे हैं कि उनसे तवस्सुल करो और उनसे तवस्सुल करो, तो उनकी कब्र तो मालूम नहीं है, तवस्सुल कैसे वसन किया जाए, कब्र पे कैसे जाया जाए। जब आलिम दीन ने दोबारा पूछा तो इमाम ने फरमाया हमारी मुराद
कुम में जो फातिमा मासूमा कुम है, हमारी मुराद ये है जिसने कुम में जनाबे फातिमा की ज़ियारत की उसका मकाम ऐसा है कि जैसे उसने जनाबे सैयदा की कब्र की ज़ियारत की। यानी फातिमा मासूमा कुम का मकबरा तजल्ली का है कब्रे सैयदा इस्लाम का, तजल्ली का है कब्रे सैयदा करार दिया है फातिमा मासूमा को रोजे को उसके जो ज़ियारत करेगा उसे वही अजर अता होगा। और बीबी का इल्मी मकाम अल्लाह अकबर। और चूंकि इमाम अलैहिस्सलाम साथे इमाम की जितनी भी जो है वो बेटियां थी, चार बेटियां थी, उन सब के नाम फातिमा रखे, फातिमा कुबरा, फातिमा सोगरा, फातिमा उस्ता और फातिमा मस्कुरा, चारों के नाम। और जितनी भी औलादे थी सब की सब आलिम और हाजिर थी इल्म के एतबार से। क्यों? चूंकि जब इमाम की शहादत हुई तो उनकी कफालत आज इमाम के हाथ में आई और इमाम ने ऐसी तरबियत की अल्लाह अकबर कि अगर उनकी तरबियत का असर देखना हो तो बीबी मासूमा कुम को देखो। उनकी तरबियत का असर है ये कि वो इतनी आलिमा थी कि वाकया बयान किया जाता है कि एक मरतबा कुछ लोग इमाम के पास सवाल पूछने के लिए आए और एक बच्ची को सवाल लेके घर में दिए। बीबी कम उम्र थी, बीबी ने सवाल लिए और अपने पास रखे, लेकिन इमाम साथे इमाम घर पे नहीं थे। अगले दिन जब वो दोबारा आए तो ये सवाल वापस कर दिए गए। अब वो लोग समझ रहे थे कि शायद इसमें जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन जब देखा तो जवाब मौजूद थे, खुश हुए वो लोग और वापस से जा रहे थे। इत्तेफाक से रास्ते में शहर के बाहर मसलन इमाम से मुलाकात हो मौला हम तो पास आप आपके पास आए थे सवाल पूछने के लिए, मगर ये तो आपके बगैर ही जवाब आप मिल गए। जब इमाम ने उन जवाब को पढ़ा तो तीन मरतबा फरमाया फिदा हा अबू हा कि मेरी बेटी पर मैं उसका बाप कुर्बान हो चुका हूं। बीबी मासूमा कौन वो हस्ती है करीम अहले बैत जिसे मासूमा का लकब भी इमाम ने दिया और जिसके इल्म की ताईद भी मासूम ने खुद फरमा दी, जिसके इल्म की ताईद खुद मासूम फरमा दी, उनका क्या मकाम और मर्तबा होगा। आइए इस मकाम को सबिल कर रब की बारगाह में दुआ करते हैं। जारे रहा अली से इबादत को कबूल मंजूर फरमा, अल्लाह के मोहम्मद वाले मोहम्मद को आकर तुझे वास्ता, जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तुझे वास्ता, जनाब सैयदा करीम अहले बैत बीबी फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा का तमाम जो भी अफराद मुश्किलात और मुश्किलात को आसान फरमा, चले हराइज को पूरा फरमा, जमाने की इमाम के दौर में ताजील फरमा, हम उनके आवान और अंसार शुमार फरमा, हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक नायल फरमा। जितने भी अफराद जहां जहां मुश्किलात में हैं, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो बहरीन में हो, इराक में हो, शाम में हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद को आदम की गैब से नुसरत फरमा, शहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे मौलाना सादिकी साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद तवासा मलीन हैं, इनको सेहत कामिल हो आज फरमा, यहाँ की इंतजामिया की तौफीक आपने इजाफा फरमा, हम सब की तौफीक आपने खैर में इजाफा फरमा। तकब्बल मिन्ना कंत समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप हमसे हमद नात नोहा या सौद व सलाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अभी रब्ता करें अलजल मल्टीमीडिया से। अगर आपने हमारे चैनल अलजल मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को दबाकर हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट हासिल करते रहें। शुक्रिया।